गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई फाउंडेशन क्लासेस। आज हम यहाँ देखेंगे 10 फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स, और साथ में मैं डेली आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराती हूँ जिसका अभी हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया है? तो दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश ने बनाया? यह बनाया है अपने देश भारत ने। भारत ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया है जो 10 मीटर की दूरी से AK-47 बुलेट राउंड को रोक सकता है, और यह बनाया है अनूप मिश्रा ने प्रोजेक्ट अभेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में RBI कब वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन करेगा? तो RBI वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन कब कर रहा है? यह कर रहा है 10 से 14 फरवरी के बीच। 10 से 14 फरवरी के बीच RBI वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन करेगा, और इस बार का थीम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है पिनेलोपी कोजियानो गोल्डबर्ग। क्या नाम है? पिनेलोपी कोजियानो गोल्डबर्ग, ये वर्ल्ड बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री थी और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने के लिए किनको नियुक्त किया है? तो सबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने के लिए किनको नियुक्त किया गया? ये किया गया है रामचंद्रन को, CN रामचंद्रन को सबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है। अब यहाँ आया सबरीमाला मंदिर, तो ये कहाँ? ये केरल में है। अब केरल में किस जिले में है? तो वो है पठानमथिट्टा। क्या नाम है जिला का? पठानमथिट्टा। केरल के पठानमथिट्टा जिले में पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर है यह मंदिर। और इस मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। और अभी मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने के लिए CN रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? यह मिला है दक्षिण सलमार मनकचर को। दक्षिण सलमार मनकचर जिले को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और यह जिला है कहाँ? तो यह जिला है असम में। असम के दक्षिण सलवार मनकचर को 2020 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और इससे पहले मैंने आपको राज्य के बारे में बताया था कि किस राज्य को मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान मिला है, तो उसमें आ जाएगा मध्य प्रदेश। और जिला पूछा जाएगा आपसे, तो इसमें आ जाएगा दक्षिण सलमार मनकचर, जो कहाँ है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेशन पुलिस द्वारा शुरू किया गया है जिसके तहत सभी ऑटो रिक्शा चालकों की पहचान को सत्यापित किया जाएगा और उन्हें 4 अंकों का एक अनूठा नंबर आवंटित किया जाएगा? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है पुलिस के द्वारा जिसके तहत सभी ऑटो रिक्शा चालकों की पहचान को सत्यापित किया जाएगा और उन्हें 4 डिजिट का एक अनूठा नंबर दिया जाएगा? तो इसमें आ जाएगा आपका ऑपरेशन नकेल। ऑपरेशन नकेल पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है जिसके तहत सभी ऑटो रिक्शा चालकों की पहचान को सत्यापित किया जाएगा और उन्हें 4 डिजिट का एक नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंश्योरेंस ने किस नाम से नई स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की है? तो रिलायंस इंश्योरेंस ने किस नाम से नई स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की है? इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी। क्या नाम है? रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी। इस नाम से रिलायंस इंश्योरेंस ने एक नई स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? यह किया गया आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, और यह देश की पहली महिला पुलिस स्टेशन है जिसका उद्घाटन किया गया है रेड्डी के द्वारा। रेड्डी, जगमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के CM हैं, उन्होंने देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत में ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त बनाया गया है? तो भारत में ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त किनको बनाया गया? यह बनाया गया है फिलिप बार्टन को। फिलिप बार्टन को भारत में ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका,
डफ एंड फ्लिप्स के अध्ययन के अनुसार ब्रांड मूल्यांकन में पहले स्थान पे कौन है? डफ एंड फ्लिप्स के अध्ययन के अनुसार ब्रांड मूल्यांकन में पहले स्थान पे कौन है? ये हैं विराट कोहली। विराट कोहली डफ एंड फ्लिप्स के अध्ययन के अनुसार ब्रांड मूल्यांकन में पहले स्थान पे हैं। नेक्स्ट है आपका, फरवरी 2020 में प्रसार भारती की अध्यक्षता से कौन सेवानिवृत्त हुआ है? तो प्रसार भारती की अध्यक्षता से कौन सेवानिवृत्त हुए? तो इसके अध्यक्ष थे एस सूर्य प्रकाश और वो अभी रिटायर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो फरवरी 2020 में हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? यह किया जा रहा है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में इस बार हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह अब तक नागालैंड में मनाया जाता रहा और इस बार त्रिपुरा में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। और नागालैंड में यह दिसंबर में मनाया जाता है और त्रिपुरा में फरवरी में आयोजित किया गया इस उत्सव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार किसे मिलेगा? तो मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार यह किसको दिया जा रहा है? यह दिया जा रहा है मनोज दास को। मनोज दास को 2020 में मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन की त्रैमासिक मोबाइल फोन ट्रैकर के अनुसार कौन सा देश अमेरिका को पछाड़कर चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया है? तो इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन के त्रैमासिक मोबाइल फोन ट्रैकर के अनुसार कौन सा देश अमेरिका को पछाड़कर चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया है? ये इसमें हो जाए आपका भारत। भारत इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन के त्रैमासिक मोबाइल फोन ट्रैकर के अनुसार अमेरिका को पछाड़कर चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही है? तो अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही है? इसमें हो जाए आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के वित्तीय सहायता से अटल भूजल योजना कार्यान्वित की जा रही है। और यहाँ पे 7 राज्यों को मंजूरी दी गई है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी में इस योजना को कार्यान्वित करने की मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ओके गाइस, तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनते थे सारे हम लोगों ने कर लिया है। अब चलिए देखते हैं आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसमें हम लोग यहाँ पे रिविजन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कितनवे हैं? तो 25वें हैं। और इनको अभी अवार्ड मिला था एक एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव कौन है? यह हैं अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार अभी हैं रक्षा सचिव। नेक्स्ट है, हमारे देश के गृह सचिव कौन है? तो गृह सचिव कौन है? यह हैं अजय भल्ला। इसमें देखिएगा टाइटल एक है अजय भल्ला और एक है अजय कुमार। तो गृह सचिव है अजय भल्ला और अजय कुमार है रक्षा सचिव। नेक्स्ट है आपका, एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये हैं रजनीश कुमार। नेक्स्ट है आपका, एएआई के अध्यक्ष कौन है? एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। कौन है? अरविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ये हैं अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। नेक्स्ट है आपका, कृषि एवं ग्रामीण विकास पंचायती मंत्री कौन है? कृषि एवं ग्रामीण विकास पंचायती मंत्री ये कौन है? नरेंद्र तोमर। नरेंद्र तोमर अभी कृषि एवं ग्रामीण विकास पंचायती मंत्री हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मुख्य सचिव कौन है? ये हैं आपके प्रमोद कुमार मिश्रा। कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा हैं प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव। नेक्स्ट है आपका, हमारे देश के कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट सचिव कौन है? ये हैं राजीव गावा। कौन है? राजीव गावा हैं कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट है, हमारे देश के केंद्रीय कानून सचिव कौन है? केंद्रीय कानून सचिव ये कौन है? अनूप कुमार। कौन है? अनूप कुमार मेंदीरत्ता। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में UIDAI के CEO कौन है? तो इसके CEO कौन है? ये हैं पंकज कुमार। पंकज कुमार UIDAI के CEO हैं। नेक्स्ट है आपका, देश के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये हैं एनके सिंह। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव कौन है? देश दीपक वर्मा। कौन है? देश दीपक वर्मा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के CEO कौन है?
सीईओ कौन है? यह है अमिताभ कांत। नेक्स्ट है आपका, हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? यह है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का नया चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का नया चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया? यह किया गया है एम अजीत कुमार को। किनको? एम अजीत कुमार को। नेक्स्ट है, हाल ही में आईबीएम ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? आईबीएम ने नया सीईओ किनको नियुक्त किया है? यह किया है अरविंद कृष्णा को। किनको? अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति समिति का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति समिति कार्यकारी किनको नियुक्त किया गया है? यह किया गया है जनक राज को। जनक राज को आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति समिति का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी ने किसे मुख्य व्यवसायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो मुख्य व्यवसायिक अधिकारी के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? यह किया गया है अनुराग दाहिया को। अनुराग दाहिया को आईसीसी ने मुख्य व्यवसायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और एमडी किनको नियुक्त किया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और एमडी किनको नियुक्त किया गया? यह किया गया प्रमोद अग्रवाल को। नेक्स्ट है आपका, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष कौन है? ये है आपके राम सेवक शर्मा। कौन है? राम सेवक शर्मा। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में एलआईसी के चेयरमैन कौन है? तो एलआईसी के चेयरमैन कौन है? यह है आपके एम आर कुमार। कौन है? एम आर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ किनको नियुक्त किया गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ और एमडी कौन है? यह है मल्लिकार्जुन राव। मल्लिकार्जुन राव पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन है? यह है वाईसी मोदी। वाईसी मोदी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो एसएससी के अध्यक्ष कौन है? ये है व्रजराज शर्मा। कौन है? व्रजराज शर्मा एसएससी के भी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है आपका, एनएसजी के महानिर्देशक कौन है? एनएसजी के महानिर्देशक कौन है? ये है आपके अनूप कुमार। कौन है? अनूप कुमार एनएसजी के भी महानिर्देशक हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के 17वें अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के 17वें अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? ये हैं अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट है, पीआईबी के महानिदेशक कौन है? पीआईबी के महानिदेशक कौन है? ये हैं के एस धतवालिया। कौन है? के एस धतवालिया। नेक्स्ट है, वर्तमान में राव के अध्यक्ष कौन है? ये हैं सामंत गोयल। कौन है? सामंत गोयल। नेक्स्ट है, यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? ये हैं आपके डीपी सिंह। कौन है? डीपी सिंह है यूजीसी के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि क्या कौन है अभी? यह है राजीव महर्षि। नेक्स्ट है, कानून एवं विधि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो कानून एवं विधि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ये कौन है? यह है रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? यह है मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी हैं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। ओके गाइस, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट डे।